अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक हैं आप सब? तो मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप लोग सुनाए, आप लोग कैसे हैं? आज मैं कई दिनों के बाद छत पे आई हूँ क्योंकि बारिशें थी पिछले दिन, और ये देखें छत के हालात, ये चेक करें, ये सारी शीटें खुद ही उड़ी हुई हैं। हालांकि लगातार दो तीन दिन ऊपर देते रहे, उतार ही नहीं है। अब मैंने जिस दिन व्लॉग बनाया था उसी दिन बारिश का था। ये देखें, मैंने सेटअप भी यहाँ बनाया था, ये चेक करें, अंदर ये सारे वाइट स्टोन डाले हुए हैं, ये देखें, ये सारे अंदर ही मिक्स। और ना मैंने इसकी तस्वीर ली थी क्योंकि शाम हो गई थी, मैंने कहा चलो बाद में कर लेंगे, लेकिन तो छत ऐसे जैसे तबाहियों पर है। तो बर्थडे थी पिछले दिनों भी, कई बर्थडे थी, मैंने सारी मिस कर दी। गज़ाला फ़ारूकी उनकी बर्थडे थी, एक परेशी उनकी मोम की बर्थडे थी, उसके अलावा कई लोगों की थी। आज शबाना तहरीम उनकी बर्थडे है, तो मैंने कहा कुछ भी है, इतने दिनों से कहा चलो मैं जाके एक ही व्लॉग कम अज़ कम छोटा सा बना लूँ, लेकिन बना लूँ। और ग्रीटी मट की उनकी रिक्वेस्ट थी, देखते हैं, शोर भी है, असर का टाइम है, बल्कि मगरिब होने के करीब है, तो मुझे यहाँ व्लॉग भी बनाना है और एक वीडियो सोच रही हूँ बना लूँ। ये यहाँ देखें, मेरा चारकोल का टेक्सचर है, शीट ऊपर दी थी, शीट उड़ी हुई, और वो अंदर देखें बिल्ली ने कुछ किया हुआ है। फिर आप लोग कैसे कहते बिल्ली को बातें ना मैं करूँ, अब पता नहीं क्या कुछ किया होगा उसने। वो मेरा चारकोल का टेक्सचर है, मेरी असल में ना पिछले दिनों कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, वरना मैं जैसे तैसे करके ना अपने टेक्सचर कैसे संभाल लेती हूँ, या मिल के लड़कियाँ बच्चियाँ संभाल लेती हैं। लेकिन ये साथ वालों की आवाज़ें भी आ रही हैं, अंदर कबूतर बोल रहे हैं, तो फिर मुझसे आया ही नहीं गया ऊपर। मैंने सोचा कि जितनी मर्जी ये देखे ज़रा हुए स्टैंड पे लगाती हूँ, आप लोगों को साथ साथ हालात चेक करवाती हूँ। हालांकि जब सफाई हो जाए एक दफ़ा ना, फिर दिल नहीं करता कि ऐसी कोई सिचुएशन फेस करे बंदा, भी मेरा बेचारा ही है। अच्छा ये देखे, ये पत्थर चेक करें, अच्छा मेरी तो चूड़ियाँ पहनी हुई हैं अंदर, मैंने इसको उतार लें या फिर वैसे अजीब लगता मुझे। ये देखें जी, मुझे लगा था ये हार्ड हो गया होना, ये ज़मीन वाला अर्थी टेक्सचर है। सब पूछ रहे थे आपका वो टेक्सचर किधर है, और ये जो टेक्सचर है ना ये न्यू वाला है। ये साथ वाले ऊंची ऊंची पता नहीं क्या करते हैं अपने कबूतरों के साथ भी, और इसका अब्बा बोलता भी ऊंची ऊंची। अब इंशाल्लाह ताला मुझे बस ये था तबीयत ठीक हो जाए मेरी, मैं जाऊँ व्लॉग बनाऊँ। और आज मैंने प्रॉमिस भी किया था आप लोगों के, मैं इतने मतलब शुक्रगुजार होती हूँ आप लोगों के कमेंट मुझे बीमार नहीं रहने देते ज़्यादा देर। और किसी ने लिखा हुआ था, क्या उनका नाम था, नाम क्या है, आज सुबह से लेकर शाम तक आपका इंतज़ार करते रहते हैं आपकी वीडियो व्लॉग का। किसी ने कहा आंखें तरस गई हैं, नाम प्रॉपर मुझे उनके याद नहीं है। किसी ने लिखा था कहाँ हो तुम, चले आओ। सच्ची खुद पे फख्र होने लग जाता है ऐसी बातें पढ़ के। और मैंने सोचा था मैंने ज़रूर जाना है जरूर, और बड़ी नज़र बचा के आई हूँ। नहीं, टेक्सचर काफ़ी ज़्यादा है, इसको मैं इधर ही छोड़ती हूँ, कुछ भी कर लूँ बिल्ली ने तो ख़राब करना। बस बाकी आपको ये वाइट स्टोन टेक्सचर दिखाती हूँ, ये चेक करें ज़रा, ये तो जम गया अंदर, इसका कलर देखें ज़रा। अब ये चारकोल जहाँ था उसने यहाँ ना, शाम में मैंने कहा था आप लोगों को दिखाऊँगी, अगली सुबह मैंने इतने ज़्यादा खुद सारे टेक्सचर रेडी किए थे, यहाँ शेप्स बनाई थी, ये जो मैंने सारे क्रम्बल किए थे ना इनके साथ साथ मैंने सारी शेप्स बनाई थी। लेकिन अंधेरा हो चुका था, लाइटें वगैरह लगी थी, तो लेकिन मतलब काफ़ी मेहनत की थी। फिर अगले दिन उसे आया ही नहीं गया तबीयत की वजह से, पहले तो गला ख़राब था, फिर साथ नज़ला ज़ुकाम। आपकी दुआएं ने मुझे फिर वापस यहीं लेके आ गई, शुक्र है, चक्कर वगैरह भी बहुत आ रहे थे। चलें हम थोड़ा विश कर लेते हैं, सबसे पहले फ़ज़ाल क्या उनका गज़ाला फ़ारूकी, और उनकी रेड उनकी थी
रेड रेड की क्रमलिंग इनके लिए करनी थी, चले मैं वही करके इनको विश करती हूँ, सही है ना। और ये टेक्सचर मेरा बहुत वेस्ट हो गया, इसको कर लेंगे सही फिर इंशाल्लाह। वो देखे हार्ड भी हो गया, कितने दफ़ा लिक्विड निकालो फिर हर दफ़ा ही हार्ड हो जाते हैं। इसको छोड़ते हैं, इनको चुप करो। मेरा दिल कर रहा है मैं ना वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ, खामोशी ज़रा हुई है। ये उस टेक्सचर के ये हालात है, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ क्रम्बल करती हूँ। आप लोगों ने कल मैंने इसकी वीडियो डाली थी, हलाना हला के बनाई, इतने दिन की थी। यहाँ करती हूँ इसके ऊपर ही, ये न्यू वाला भी चारकोल के पास, इसकी क्या हालात होंगे। असल में नज़र लग जाती, मैंने उसने एक दिन में दो तीन वीडियो रिकॉर्ड व्लॉग रिकॉर्ड किया, अगले दिन एक से भी गई। और सही कहते हैं इतना बंदे को काम करना चाहिए जितनी उसके अंदर पहुंच है। मतलब जितनी ताकत है, चले बस आगे चलते हैं। ये देखें, ये वो वाली मड है जो जितने भी मैंने दो तीन टेक्सचर किए थे, ये तो भी देखें हुए, ये तो गीली है, शायद शीट इसके ऊपर से उतरी है। ये सारे टेक्सचर जो है ना, इन हार्ड हुए टेक्सचर को मैंने ना किया था, पता नहीं कितने घंटे बैठ के इसको सही किया था। ये तो सही हो गया अल्लाह का शुक्र है, लेकिन मड नहीं सही होनी क्योंकि इसके ऊपर मिट्टी इतनी पड़ चुकी है। ये देखें, मिट्टी नहीं, रेत वगैरह, मिट्टी तो चलो। बड़ा अच्छा टेक्सचर बन गया ये, तारीफ ही की है साथ ही। यहाँ से भी निकलते हैं, ये देखें इसका भी इधर मैंने सेट बनाया हुआ था। ये मेरा ज़ीरो साइज स्टोन और ब्राउन सैंड टेक्सचर था, ये देखें क्या करूँ। इन हालात में क्या करूँ, वीडियो रिकॉर्ड जैसे तैसे लोग ही बना रही है। मेरा प्योर सीमेंट का टेक्सचर है, ये देखें आप खुद अंदाज़ा करें, टेक्सचर ने हार्ड नहीं होना तो क्या बनना है। ये मेरा गाची वाला टेक्सचर है, बारिश आई इतनी शदीद रात के टाइम अचानक, उस दिन बस जैसे तैसे रखे हैं। बस मैंने स्लैब मेरा दिल करा या तो और बनवा लूँ, बना लूँ बना जैसे भी है सकी ना। अब सुकून से ना, आज जैसे मुझे जल्दी जाना है मगरिब की जानों से पहले पहले, क्योंकि नाखून वगैरह काटने हैं, या तो जिन्होंने कुर्बानी करनी होती है ना, फिर वो चाँद निकलने से पहले पहले ना।
चलें जी गज़ाला, आपके लिए मैं तो यहाँ थोड़ी सी क्रम्बलिंग करती हूँ। थोड़ा आपको विश करते हैं, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, ढेरों खुशियाँ आपको दे। डेड डेड की क्रम्बलिंग आपके लिए, कोई गम आपके पास ना आए। सॉरी मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना सकी, कल मेरे पास न्यू एक वीडियो थी लेकिन मैंने कहा आपने मुझे रेड डॉट की कहा तो मैं वही बनाऊंगी। तो इंशाल्लाह ताला मैं ना ज़रूर आपके लिए बनाऊंगी, भूलूंगी नहीं। अल्लाह ताला आपको हर मोड़ पे कामयाब करे, ज़िंदगी के हर मंजिल आसान करे। अच्छा ये देख ले, यहाँ इतना खलारा है, मैं ऐसे कैसे क्रम्बलिंग, काची की क्रम्बलिंग यहाँ कैसे करूँ। ये इसमें कर लूँ, ये चेक कर, वाह काची होगी परफेक्ट, मज़ा आ गया। वो काची के पास ही मैं जाती हूँ, थोड़ा वहाँ क्रम्बलिंग कर लेती हूँ। इतना खलारा है, मैं बाहर भी इतना शोर है, मुझे लगता है कि मुझे ना सॉरी कर लेनी चाहिए शबाना आपसे भी। आपके लिए मैं ग्रिटी मटकी क्रम्बलिंग कर देती हूँ, ठीक है क्रम्बलिंग हो जाएगी, लेकिन वीडियो लग रहा है बहुत मुश्किल है। अच्छा ये देखें, ये जो ग्रेट डॉट बनवाई है उसे हम बनाइए, इसके भी बड़ी मेहनत हुई है इस टेक्सचर में बहुत ज़्यादा। ये देखिए इसको तीन चार दफ़ा सही किया, मुझे लगता है अब ये सही हो गई है। वाह इतनी सॉफ्ट फ्लफी, कहते हर चीज़ मेहनत मांगती है, उसने बहुत मेहनत की, अल्लाह का शुक्र है। वाह आप लोगों ने बताना है किस किस को अच्छी लगी है ग्रेटर। अभी तो थोड़ी डैम है ड्राई हो, तो क्या इसका मज़ा है। चलिए सुबह प्रॉपर इंशाल्लाह ताला मैं व्लॉग बनाऊंगी, फिर इसकी सजेशन चेक करेंगे क्या ये कौन सा टेक्सचर है। इसके लिए कर दो उल्टा पुटला पुटला, ये भी कोई मड्डी है जैसे, मेरे हालात चेक करें, इसके अंदर ही कर लेती हूँ। ब्लैक डॉट लग रही है ये, खलारा डालने वाले हम खुद ही हैं। चलें जी यहाँ आ चुके हैं शहबाना, आपके टैक्सी मेरी पीढ़ी ले आओ। पीढ़ी ले आओ, चक्कर पे चक्कर आ रहे हैं। चलें जी शहबाना आपके टैक्सी के पास में आ गई हूँ, इतना शोर है वीडियो को ख़राब करने वाली बात है। तो इंशाल्लाह मैं सुबह आपके लिए वीडियो बना दूंगी, अभी ये व्लॉग हो जाएगा आपके नाम पे, ठीक है स्पेशल। यहाँ एक चंक्स पकड़ के हम क्रम्बलिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा और कर लें। चलें अल्लाह ताला आपको पहले हैप्पी बर्थडे हो, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, ढेरों खुशियाँ दे,
अल्लाह ताला आपको हर मंजिल में कामयाब करे, आपको आपके बच्चों को दीनों दुनिया की भलाई अता फरमाए, कोई गम आपके पास ना आए। ये जो टेक्सचर है ना अभी आपके लिए रख दिया मैंने, जब भी वीडियो बनेगी इसकी आपके लिए बनेगी, ठीक है। मेरा दिल कर रहा है मैं एक और व्लॉग बना लूँ गोला व्लॉग्स के लिए, यहीं पे शुरू करती हूँ गोला व्लॉग, ठीक है। इतना सब व्लॉग बहुत है, ओके फिर मिलेंगे, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, ओके अस्सलाम वालेकुम।